लंका के सीता माता मंदिर से भगवान श्री राम की चरण पादुका अयोध्या ले जाई जा रही है। चरण पादुका की शोभा यात्रा 15 दिसंबर श्रीलंका से शुरू हुई थी, जो 22 जनवरी को अयोध्या में समाप्त होगी और ये शोभा यात्रा कई राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां बुधवार को चरण पादुका राजधानी रायपुर पहुंची। इस दौरान लोगों ने विधि विधान से चरण पादुका के दर्शन किए, पूजन किए और ये अयोध्या नगरी पहुंचने वाली है। भगवान की पादुका है तो विशेष, ये बहुत महत्व रखती है, तो ये किस धातु से बना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। इसमें दो प्रकार की हैं, एक तो चरण चिन्ह है भगवान राम और माता सीता के, जो पूरे 290 स्थान है, तीर्थ है, जहां पर भगवान राम गए थे, उन स्थानों की मिट्टी और उन नदियों का जल, उसको लेकर के वो बनाई गई है, तो एक विशेष प्रकार से पूजित है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व है उसमें, एक तो ये, और दूसरा जो है उसमें चरण पादुका है, जो वो चांदी की है, उसमें उनके जो चिन्ह है उनको बनाया गया और वो अभी तक। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसे लेकर कांकेर जिले में भी खुशी का माहौल है। जिले में सुबह से ही राम भक्तों की टोली घर घर जाकर अक्षत देकर लोगों को अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण दे रही है। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान हो रहे हैं, जिसे लेकर कांकेर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। जय जय।